हिमाचल प्रदेश में बंदरों की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इन बंदरों के उत्पाद से जहां लोगों ने खेती करना छोड़ दिया है, वहीं जिलों में तो घरों में घुसकर बंदर आतंक मचा रहे हैं। इसी समस्या के चलते हिमाचल प्रदेश का पहला राज्य बन गया था जिसमें बंदरों को पीड़क जंतु घोषित किया गया था, जिसके तहत निजी भूमि पर बंदरों के नुकसान पहुंचाने पर उन्हें भगाने या मारने का भी प्रावधान नियमानुसार किया गया है। लेकिन अब सरकार की घोषणा के बाद भी लोग इसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। प्रदेश की तरह हमीरपुर जिला में बंदरों की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है और इसी समस्या के चलते हमीरपुर, बड़सर, भोरेंज, सुजानपुर, बड़सर उपमंडल में भी कई क्षेत्रों में लोगों ने खेती करना बंद कर दिया है। लोगों का कहना है कि बंदर न सिर्फ खेतों को उजाड़ कर फसल बर्बाद कर रहे हैं, साथ ही अब घरों में भी घुसकर लोगों को, खासकर महिलाओं को भी परेशान कर रहे हैं। बंदरों के आतंक से अब शहर क्षेत्र भी अछूते नहीं रहे हैं और शहर इलाके में बंदर घरों की छतों पर कपड़े तक उठाकर परेशान कर रहे हैं। वार्ड नंबर 5 के निवासी आरएल भारद्वाज का कहना है कि सरकार ने भले ही नसबंदी के आदेश दे रखे हैं, मगर सरकार नसबंदी के बाद फिर से उसी क्षेत्र में इन्हें छोड़ रही है और समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। वहीं कुछ समय पहले हमीरपुर शहर में एक महिला पर भी बंदर ने हमला कर उसे घायल किया था, जिसके कारण उसे सिर पर टांके भी लगे थे। बरसर के रहने वाले हैं, महाराज हमारे वहाँ पर इतने बंदर हो गए हैं कि एक मकान से दूसरे मकान पर, दूसरे से तीसरे मकान में छलांग लगाते हैं और खेती में कुछ भी मिल जाए, यहाँ तक कि आजकल तो घरों में अंदर बढ़ने, किचनों में जाने शुरू कर है कि बंदरों का और साथ में आवारा पशुओं का भी इलाज किया जाए ताकि हम जिम्मेदार अपनी आउटपुट निकाल सकें। मैं अकेला बंदर नहीं जा सकता है और बच्चों को, औरतों को ये बंदर खाने पड़ रहे हैं। इस करूंगा विभाग से और सरकार से कि इनके बारे में फिर से कुछ सोचा जाए और इनको किसी ठिकाने पे ऐसे छोड़ा जाए जहां से पकड़ते हैं दूसरी जगह ले जाकर के, जहां पर इनको खाने के लिए फीड भी मिले, फल फ्रूट भी मिले और दोबारा बस्ती में ना आए, जहां पर लोग रहते हैं और लोगों को तंग ना करें।